गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर विद इलेक्ट्रोफाइल। हमें फाइंड आउट करना है कि लाइक जो भी हमें कंपाउंड्स गिवन है, इन दोनों कंपाउंड्स में फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं तो इन दोनों में से फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो लाइक आपको ये चीज पता करने के लिए कि इलेक्ट्रोफाइल से फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, एंड ई पॉजिटिव से हम इसे डिनोट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ साथ ऐसे स्पीशीज जो क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को भी आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब आपको इसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो फास्टर रिएक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ? तो देखिए, आप अगर इसको अपनी डेली रूटीन लाइफ से कहीं से कनेक्ट करके समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल को आप समझिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि आप सोचिए कोई पुअर पर्सन है, लाइक उसके पास क्या है, पैसे की कमी है, ठीक है, पुअर पर्सन, पैसे की कमी, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पुअर पर्सन की अगर किसी को हेल्प करनी है, कोई उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कौन सा पर्सन होगा? पुअर पर्सन की हेल्प कोई रिच पर्सन कर सकता है, और यहाँ पे हम रिच पर्सन किसे लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज रिच पर्सन। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिएगा, जो भी कंपाउंड इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करेगा, फास्टर रिएक्ट करेगा। ओके, तो अब इसमें से हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच कौन है। तो इलेक्ट्रॉन रिच के लिए देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इट्स एन बेंजीन, एंड सेकेंड कंपाउंड बेंजीन तो है ही, देखो दो बच्चे दोनों में कॉमन चीज क्या आ गई है, बेंजीन आ गई, लेकिन सेकेंड कंपाउंड में बेंजीन के साथ साथ ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और NH2 ग्रुप का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को विद्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेट करेगा, है ना। तो इसका इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर बच्चा बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम को, हमारी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, एंड डोनेट कैसे करेगा, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, सिस्टम को डोनेट किया है, एंड दिस कॉन्जुगेशन मैंने शो किया है कि इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम किसमें हुई बच्चे, एक तो आपके पास सिस्टम नॉर्मल है जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इट्स नॉर्मल। एंड सेकेंड हमारे पास है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये नॉर्मल है कि कोई डोनेटिंग लगा है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन दोनों में से बच्चे हमारे पास जो हमारा ए और बी में से बी कंपाउंड है वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इट मींस वो बहुत अच्छे से जा करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर पाएगा और क्या करेगा, उसके साथ फास्टर रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो बी वन हमारा क्या करेगा, फास्टर रिएक्ट करेगा ए से, ठीक है, ए के कंपैरिजन में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से अगेन हमारे पास बेंजीन है, सेकेंड हमारे पास फिनोल है, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, थायोबेंजीन। ओके, तो अभी इसमें से देखिए बच्चे, इसमें से आप कैसे बताएंगे कि इनमें से हमारे पास फास्टर रिएक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ? बेसिकली हमने इलेक्ट्रोफाइल दिया है, इनमें से हमें बताना है फास्टर रिएक्ट कौन करेगा। सेम कंसेप्ट हम फिर से लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो फास्टर रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, तो फिर से देखिए बच्चे, तीनों में बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है, ये चीज तीनों के तीनों कंपाउंड्स में हमारे पास प्रेजेंट है, तो लाइक इससे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर डिफ्रेंशिएट किससे कर सकते हैं, OH एंड SH ग्रुप से। ओके, अब बात आती है यहाँ पर डोनर ग्रुप है, मैं आपको बता देती हूँ, OH एंड SH दोनों ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो लाइक हमें एटलीस्ट इतना क्लियर है कि A सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्यों, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इनकी तो फर्स्ट से एटलीस्ट हाईएस्ट होगी। ओके, अब बी एंड सी में से आप कैसे देखेंगे कि किसकी रिएक्टिविटी हाई है, तो देखिए बच्चे, इसको चेक करने के लिए बेसिकली ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, तो प्लस एम इन दोनों में से बेस्ट किसका होगा, लाइक आपको यहाँ पे देखना है कि प्लस एम की स्ट्रेंथ किसकी हाईएस्ट है, तो आप वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए बच्चा दो फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है क्या, ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग हम चेक करेंगे, ओवरलैपिंग जिसकी बेस्ट होगी वो क्या करेगा, ज्यादा अच्छा क्या होगा, डोनर होगा,
और अगर आप ओवरलैपिंग से भी कभी आंसर नहीं निकाल पाते हैं कि लाइक ओवरलैपिंग आपने चेक की उससे आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ओके, अब ओवरलैपिंग से आप क्या समझोगे? मैंने ओवरलैपिंग लिख दी है, बट क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग, वो भी तो हमें कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग बच्चे यहाँ पर क्या है, बेसिकली जैसे आप देखें यहाँ पर ये बेंजीन में कार्बन है और यहाँ पे OH का ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की ओवरलैपिंग, इन दोनों के ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे कैसे? जैसे अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो आउटरमोस्ट हमारे पास क्या आता है, ये 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, एंड सेम हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है। ओके, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों 2p 2p ऑर्बिटल्स इनके हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2p 2p की ओवरलैप बच्चे क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। 2p 2p अगर आप ओवरलैप चेक करेंगे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इससे अगर आप कोई हायर मेंबर लेकर आते हैं, जैसे अगर अभी यहाँ पर सल्फर हमें दिया हुआ है, तो कार्बन और सल्फर की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक कीजिएगा, यहाँ पे कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल ही रहेगा, लेकिन सल्फर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3p ऑर्बिटल होगा। तो लाइक एक हमारे पास स्मॉल ऑर्बिटल है और एक हमारे पास बिगर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो स्मॉल और बिगर की ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होती, और ये क्यों नहीं होती, इसका भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोच सकते हैं। लाइक आपकी थिंकिंग, आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किससे होती है, आपके लाइक आपके फ्रेंड्स से, आपके कजन से, लाइक बेसिकली जो आपके एज ग्रुप के हैं उनसे आपकी क्या होती है, बेस्ट बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की एज के बंदों के, एज के लोगों के साथ, आपके पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर आपके अंकल आंटी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनसे हमारी इतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती जितनी कि हमारी हमारे सेम एज ग्रुप से होती है। तो आप यहाँ पे 2p एंड 3p को उसी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा सेम एज ग्रुप, लाइक 2p 2p की ओवरलैपिंग सबसे बेस्ट होती है, एंड देन 2p 3p उससे पुअर होती है, एंड उससे नेक्स्ट भी अगर आप जाते हैं तो 2p 4p की पुअर, बिल्कुल ही पुअर, लाइक बहुत ही वीक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके, तो यहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन की 2p 2p ओवरलैपिंग है, ओके, और सल्फर और कार्बन की हमारी ओवरलैपिंग क्या है, 2p 3p है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हमें जाने की नीड नहीं है, हम फर्स्ट केस से ही ओवरलैपिंग के बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो बच्चा देखिए, जिनकी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है, बेस्ट होती है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, वो इतना अच्छे से स्ट्रांगली डोनेट नहीं कर पाते। बेसिकली प्लस एम पावर, डोनेट करने की पावर हमारे पास OH की बेंजीन रिंग की तरफ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा OH ग्रुप ज्यादा डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू सल्फर। ओके, तो जो ज्यादा अच्छा डोनर, उसको वो क्या करेगा, हमारे बेंजीन रिंग को उतना ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो उतना ही फास्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा क्या होगा, सबसे हाईएस्ट हमारा बी होगा रिएक्टिव। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सी होगा। ओके, तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, BCA। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। ओके, यहां तक आपका हुआ बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, उसमें देखिए, अभी अभी तक हमारे पास क्या था, एक नॉर्मल ले रहा था ग्रुप, बेंजीन ले रहे थे। अभी क्या है, बेंजीन तो सब में है, लेकिन अभी इस बार OH ग्रुप आया है, NH2 आया है, NSH आया है। तीनों के तीनों ग्रुप हमारे पास क्या है, प्लस एंड पावर देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। अब हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा इन सब में से प्लस एंड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। ओके, प्लस एंड स्ट्रेंथ आपको चेक करनी होगी। अब प्लस एंड स्ट्रेंथ चेक करने के मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, ओवरलैपिंग चेक करेंगे, है ना। ओवरलैपिंग से नहीं होता है तो आप सेकंड फैक्टर पे जाएंगे, वो क्या है हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, कम डोनेट करेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई होने का क्या मतलब होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे सिस्टम से ज्यादा पुश करता है अपनी तरफ, पुल करता है, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचता है बेसिकली दूसरे सिस्टम से, तो क्या करेगा, इट मींस वो डोनेट नहीं करेगा ना, उल्टा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ओके, तो अभी हम चेक करते हैं इन सिस्टम में। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले आपके पास OH है, NH2 है, एंड SH है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, 2p होता है, कार्बन भी हमारे पास क्या होता है, 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सेम
नाइट्रोजन में हमारे पास 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है एंड कार्बन में भी हमारे पास 2p होता है, तो ये दोनों तो बच्चा 2p 2p आ गए, तो हम नहीं इनको डिफरेंशिएट कर सकते ओवरलैपिंग के बेसिस पर. सेकेंड सेकेंड हमारे पास देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन जो है, सल्फर हमारे पास क्या है 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है सल्फर का, एंड कार्बन का वी नो वेरी वेल दैट 2p इज इन्वॉल्व. ओके तो ए बी सी में से अभी आपको बताना है विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके सो यहाँ पे हमारे पास थर्ड हो गया डिफरेंशिएट, बिकॉज इसमें ओवरलैपिंग बेस नहीं होगी तो अच्छा डोनर भी नहीं होगा SH हमारा, इनके कंपैरिजन में OH एन एच टू की, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे लोएस्ट होगी. ओके अब ए और बी में आप चेक कीजिए, ए और बी में अगर ओवरलैपिंग दोनों की सेम है तो हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे सेकेंड फैक्टर पे जंप करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ आपको. ओके सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास क्या होता है, फोन फोन जो होते हैं वो हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है फोन क्या है, फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आफ्टर दैट ऑक्सीजन एंड लास्ट नाइट्रोजन. ओके तो हमारे पास फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए बच्चा कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच एटम है वो ऑक्सीजन है, वही उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा. और सेकंड में बी में हमारे पास नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है, और देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपेरिजन में. ओके तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसकी कम होती है बच्चे वो ज्यादा अच्छे से डोनेट करता है एज कम्पेयर टू जिसकी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा ज्यादा अच्छा डोनर होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ओके तो बी में हमारे पास क्या आ रही है, सिस्टम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और वो इजीली क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर पाएगा. ठीक है तो बी हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और फिर होगा हमारे पास ए एंड लास्ट में सी. ओके तो आपको दो ही फैक्टर चेक करने हैं जब भी आपको पूछा जाए कि विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल. बेसिकली आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरफ देखना है तो वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो आपको क्या लाना पड़ेगा रिएक्टिविटी देखने, तो कोई बहुत इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम लाना पड़ेगा आपको. ठीक है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल के साथ. ओके आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.